आईफोन 8 ये फोन 2017 में लॉन्च हुआ था, बट आज के डेट में भी बहुत सारे लोग इस फोन को परचेज करना चाहते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक इसकी परफॉर्मेंस, इसमें आपको लेटेस्ट iOS 16 का सपोर्ट मिलता है जो कि आईफोन 7 में मिसिंग है, एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलता है लाइक 14 से लेके 15 हजार रुपए में, इससे ज्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट क्या सच में आपको 2022 में आईफोन 8 लेना चाहिए, मतलब कि लगभग 5 साल पुराना आईफोन? इसी चीज के रिगार्डिंग आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंड आपको सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकल बेसिस पे बताऊंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस पसंद है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डिजाइन की, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, क्योंकि आपको फ्रंट में जो डिजाइन मिलता है वो एक्जैक्टली सेम है जो कि आईफोन 6 से लेके चला आ रहा आईफोन ऐसी थर्ड जनरेशन तक। एंड इस फोन में आपको जो बैक में डिजाइन देखने को मिलता है वही डिजाइन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है लेटेस्ट आईफोन ऐसी थर्ड जनरेशन में। सो लुक्स एंड डिजाइन का फैक्टर जाता है आपकी पर्सनल चॉइस पे। वही अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील की, तो यहाँ पे आई वुड से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी सॉलिड है। सभी आईफोन्स की तरह इसमें भी आपको साइड में एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है जो कि काफी स्टर्डी है। उसी के साथ इसमें आपको बैक में ग्लास देखने को मिलता है रेदर देन एल्युमिनियम फ्रेम जो कि आईफोन 6s आईफोन 7 में था, तो जिसकी वजह से फोन काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इन हैंड फील इसकी काफी बेटर लगती है एज कम्पेयर टू आईफोन 7। अब मे भी हो सकता है कुछ लोग आईफोन 7 का जो बैक में एल्युमिनियम फ्रेम है उसको प्रेफर करें, बट स्टिल ज्यादातर लोगों की चॉइस रहेगी आईफोन 8 का बैक ग्लास डिजाइन जो कि ज्यादा प्रीमियम लगता है इन हैंड। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि अगेन काफी ज्यादा कॉमन है। 4.7 इंचेस का रेटिना आईपीएस एलसीडी पैनल जो कि सपोर्ट करता है ट्रू टोन को, वाइट कलर गैमेट एंड 3D टच। तो आप डिस्प्ले के साइज से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस साइज को प्रेफर करते हैं, मतलब कि छोटे कॉम्पैक्ट आईफोन्स। एंड वहीं अगर आपको डिस्प्ले के साइज के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको बड़े डिस्प्ले का आईफोन चाहिए, तो फिर आपको आईफोन 8 प्लस या फिर आईफोन 10 को देखना चाहिए। स्टिल यहाँ पे डिस्प्ले की जो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, डिस्प्ले में वही टिपिकल 625 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो कि काफी डिसेंट है, मतलब कि आपको आउटडोर्स में विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही, एप्पल के जो एलसीडी पैनल होते हैं काफी अच्छे होते हैं, कलर एक्यूरेट होते हैं, सो उसी तरह यहाँ पे भी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, कलर एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छी है। तो पर्टिकुलरली अगर आप लोगों की चॉइस है कॉम्पैक्ट फोन, छोटा फोन, तो ये डिस्प्ले साइज परफेक्ट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है परफॉर्मेंस। तो आईफोन 8 में आपको एप्पल A11 बायोनिक चिप देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी चिप है, आज के डेट में भी काफी कैपेबल है। एंड एप्पल A10 फ्यूजन के आगे इसमें आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल, मतलब कि डे टू डे टास्क की। तो यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, फोन बहुत ही ज्यादा स्नैपी चलता है। अगर हम बात करते हैं ऐप लोडिंग टाइम की या फिर ब्राउजिंग स्पीड की, ऐप इंस्टॉलिंग स्पीड की, एंड वहीं अगर हम बात करें गेमिंग की, तो इसमें आपको BGMI में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग इसमें 60 FPS पे गेमिंग कर पाओगे। तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे ऐसा कोई ज्यादा लैग वगैरह नहीं आते हैं, गेमिंग अच्छी हो जाती है। बट यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है थोड़ा छोटा है, इसकी वजह से मे भी हो सकता है आप लोग इसको गेमिंग के लिए ज्यादा प्रेफर ना कर पाए। एंड वहीं अगर हम बात करें हीटिंग की, तो मैंने नोटिस करा इस फोन में जो हीटिंग है आईफोन 7 के कंपैरिजन में काफी कम होती है, मतलब कि फोन बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है। नॉर्मल टास्क में यहाँ पे अच्छा रहता है, टेम्परेचर्स नॉर्मल रहते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाले कि यहाँ पे जो फोन का साइज है काफी छोटा है, इसकी वजह से एक्सेसिव हीट को रोकने के लिए यहाँ पे जो ब्राइटनेस है थोड़ी जल्दी ड्रॉप हो जाती है गेमिंग के टाइम पे। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा गर्म एनवायरमेंट में गेमिंग करते हो, तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है जल्दी ड्रॉप हो जाएगी। एंड एक लिमिट तक ब्राइटनेस ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे जो टेम्परेचर है काफी स्टेबल हो जाते हैं, फोन में हीटिंग ज्यादा नहीं होती है। तो डेफिनेटली ये चीज होती है हीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। स्टिल अगर हम इसको कंपेयर करते हैं आईफोन 7 के साथ, जो कि 2 या 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करके आपको आईफोन 8 मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में वर्थ इट है। एंड वहीं अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, सो आईफोन 8 में आपको iOS 16 का सपोर्ट मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड यही एक प्राइमरी रीजन बन जाता है आईफोन 8 को लेने का एज कम्पेयर टू आईफोन 7। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आईफोन 8 में काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा स्नैपी परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स एंड ग्लिचेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। सो डेफिनेटली आई कैन से आईफोन 8 आज के डेट में सबसे सस्ता आईफोन है, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं कैमरास की।
सो यहाँ पे कैमरा में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। मतलब कि मुझे आईफोन 8 के कैमरास बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगे हैं। आज की डेट में भी जिस प्राइस पॉइंट पे आता है अच्छी परफॉर्मेंस है, फोटोज काफी ज्यादा ब्राइट एंड शार्प आते हैं, आपको HDR की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। वहीं आप लोग इस फोन से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि अगेन काफी ज्यादा कमाल की बात है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आईफोन्स वीडियो परफॉर्मेंस के लिए फेमस है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वीडियो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आईफोन 8 से आप लोग काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी कैमरा आईवुड से काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। मतलब कि अगर आप लोग सेल्फी कैमरा से आउटडोर्स में फोटोज को कैप्चर करते हो, मतलब कि ज्यादा लाइटिंग में, तो फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, क्लियर आते हैं, आपको स्किन टोन्स बहुत नेचुरल मिलती हैं। अब आईफोन 8 के कैमरास इंडोर लाइटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड कोई नाइट मोड नहीं है। उसी के साथ ये फोन 2017 में लॉन्च हुआ था, बट उस हिसाब से भी मुझे यहाँ पे जो उसकी कैमरा की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी लगी है। एंड आप लोग डेफिनेटली इस बजट में आईफोन 8 को कंसिडर कर सकते हो, अगर आप लोग की प्रायोरिटी है कैमरा। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, लाइक ईयरपीस, स्पीकर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों में भी मुझे यहाँ पे आईफोन 8 से कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। ईयरपीस क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। वहीं अगर हम बात करें स्पीकर क्वालिटी की, तो यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी स्लाइटली इम्प्रूवड है एज कम्पेयर टू आईफोन 7। मतलब कि यहाँ पे जो स्पीकर से आउटपुट आता है काफ़ी क्लियर है, लाउडनेस आईवुड से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको डिसेंट क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। वहीं मुझे आईफोन 8 का वाईफाई एंड नेटवर्क रिसेप्शन भी आईफोन 7 से बेटर लगा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आईफोन 7 जो वाईफाई सिग्नल उसको ड्रॉप कर देता है, अच्छी रेंज नहीं आती है, बट आईफोन 8 में ऐसा नहीं है, इसकी रेंज थोड़ी सी बेटर है। सो आपको इन सभी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी चीज की जिसमें आईफोन 8 ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, वो है बैटरी लाइफ। इस फोन की बैटरी लाइफ स्लाइटली बिलो एवरेज ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन ऑन टाइम है ज्यादा नहीं मिलता है, बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है। इनफैक्ट इस साइज के जो आईफोन्स है उसमें आपको बैटरी लाइफ अच्छी नहीं मिलती है, भले हम बात करें लेटेस्ट आईफोन SE की भी। सो आप लोग बैटरी लाइफ से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड आप लोग नॉर्मल यूजेज में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से लेकर 3.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। सो अगर आप लोगों का एकदम ही बेसिक यूज है, मतलब कि आपको दिन में कुछ कॉल्स करनी होती है, थोड़ा बहुत वेब ब्राउजिंग करनी होती है, एंड आपका स्क्रीन ऑन टाइम काफी ज्यादा कम है, तो फिर उस केस में आपका ये फोन एक दिन लास्ट कर पाएगा, अदरवाइज आपको ये फोन एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम फाइनली बात करते हैं कॉन्क्लूजन की, कि आपको सच में आईफोन 8 2022 में लेना चाहिए या फिर आपको इसको स्किप करना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आईफोन 7 को लेने का सोच रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं, वो लोग आईफोन 7 को परचेज करने का सोच रहे हैं आज के डेट में, तो उस केस में आईवुड से आपको उसको स्किप करके अब आईफोन 8 को लेना चाहिए, क्योंकि हार्डली 2 या 3 हजार रुपए का डिफरेंस है। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें आपको स्टोरेज भी ज्यादा मिलती है। आईफोन 7 का बेस वेरिएंट है 32 GB, वहीं आईफोन 8 का बेस वेरिएंट है 64 GB। उसी के साथ इनफैक्ट आपको हर चीज में अपग्रेड मिलता है, भले हम बात करें परफॉर्मेंस की, कैमरा की, डिजाइन की, एंड सबसे बड़ी बात है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इसमें आपको लेटेस्ट iOS 16 का सपोर्ट मिलता है, जो कि इसको एक काफी अच्छी डील बना देता है आज की डेट में। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलता है, लाइक 14 से लेकर 15 हजार रुपए में, तो डेफिनेटली आप लोग आईफोन 8 को आज की डेट में खरीद सकते हो। बट इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइक 17 या 18 हजार रुपए में आपको आईफोन SE सेकेंड जनरेशन मिल जाता है। एंड इनफैक्ट अगर आपको बड़े डिस्प्ले का आईफोन चाहिए तो आईफोन 8 प्लस मिल जाता है। एंड अगर आप लोगों का बजट एकदम ही टाइट है 14 से लेकर 15 हजार रुपए, आप लोगों को आईफोन 8 लेना एज अ प्राइमरी डिवाइस, तो इस केस में आईवुड से आप इस फोन को ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पैसे के हिसाब से आपको यहाँ पे जो वैल्यू है अच्छी मिलेगी। सो गाइस, आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग आईफोन 8। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। ना आप लोग अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।